Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी अस्सलाम अलैकुम. पाकिस्तान की सियासत में जिस तेजी के साथ तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं उसमें हर आने वाला हफ्ता बल्कि हर आने वाला दिन इंतहाई अहम है। संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है इस हफ्ते, जिस तरह आप जानते हैं कि 26 अक्टूबर को वजर सबक नवाज शरीफ साहब की के सामने पेशी थी पेश नहीं हुए उनके वारंट की गिरफ्तारी जारी हो गए अब तीन नवम्बर को उनकी अगली और हतमी पेशी है और अदालत ने कहा है कि उन्हें लाजमन पेश होना है अब तीन नवंबर क्या सबक वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नदर क्या वो इमरजेंसी में पेश होंगे एहतसाब अदालत के सामने और उसके बाद उनका मुस्तबिल होगा वारंट की गिरफ्तारी उनके पहले जारी हो चुके हैं शरीफ ख़ानदान का आगे मुस्कबिल क्या है क्योंकि एहतसाब अदालत में जिस तरह से तेजी से यह केस निमट रहा है आ, कुछ भी कहना बईद नहीं है आ, कुछ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से पेश गोयाँ ये हो रही हैं कि मार्च में जो सैनट के इंतबात होने हैं उससे पहले ही कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है वो बहुत बड़ा क्या होने जा रहा है मुल्क सियासत में दिसंबर और जनवरी किस तरह से इंपॉर्टेंट होंगे इन सब मामला पर भी हम बात करेंगे लेकिन जो कल रात से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो है सानह बल्दिया टाउन जो कि मुल्क के बड़े सानेहात में से एक है उसका मरकजी मुल से हम माद से दिए गई जिसका एम क्यू एम जो कि उस वक़्त लंदन और पाकिस्तान एक ही एम क्यू एम हुआ करती थी उसके बड़े बड़े सरकरदार रनुमाओं से बड़ा अहम ताल्लुक है ताल्लुक रहा भी था और अब जो एम क्यू एम पाकिस्तान के सबरा है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब उनसे भी हमाद सदीकी का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा ये नहीं बल्कि पाक सरजमीन पार्टी के जो अनीस कायम खानी साहब हैं उनसे भी हमाद सिद्दीकी के बड़े अहम रवाबित रहे तो कराची की सियासत में क्या पलटाव आने वाला है क्या कुछ नया क्या कुछ हंगामा खेज होने वाला है क्योंकि हमाद सिद्दीकी गिरफ्तार हो चुका है उसके मजदूर इंकशाफ क्या होंगे साना बल्डिया टाउन में किस तरह से नई पेश सामने आएगी इसके अलावा कल ही मरियम नवाज साहिबा ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने ना सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि उनकी जो सियासत का रुख है कि आइंदा इलेक्शन में वो खड़ी होंगी कि नहीं होंगी क्या वो मुस्लिम आइंदा के, के नहीं है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है शरीफ फैमिली के अंदर जो इख्त की खबरें आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा ने उस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डाली है खासतौर पर अपने चचा वजी अला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा है कि वो उनके हीरो हैं और उनकी अपने चचा से कोई इख्तलाफ नहीं है कम अज कम चचा की हद हाँ तक कोई इख्तलाफ नहीं है तो ये वो बड़े अहम मामला जिनपे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इनके अलावा भी जाहिर है न सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि जो बैन है भारत के साथ अफगानिस्तान के साथ तल्लत है अमरीका के साथ है। इन तब मामला आज बात रहेगी प्रोग्राम में खास तौर पर मेरे साथ आज शरीक गुफ्तु हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा अवामी रहनुमा अवामी लीडर जनाब शेख रशीद अहमद साहब असल शेख साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर कैसे हैं आप

मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर में जहां और बहुत सारे सियासी मसले और फैसले और धमा चौकड़ियाँ हुई हैं वहाँ एम क्यू एम को भी शिकंजे में आ गई है और अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी पाओ इसी तरह खुद तबाह किया जिस तरह नवाज शरीफ ने किया और आज एम क्यू एम किसी के लिए थ्रेट नहीं है और वो एम क्यू एम दम तोड़ चुकी है जो काल देती थी तो बच्चों का दूध नहीं मिलता था और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और कोई साइकिल का पहिया नहीं नजर आता था अब एम क्यू एम जो है वो पूरी तरह अंडर कमांड एंड कंट्रोल है और जो तीन ग्रुप है एम क्यू एम के उसने इलेक्शन के नजदीक अगर इलेक्शन होने हैं तो जी। क्या रुख इख्तियार करना है इसका फैसला आइंदा मार्च से पहले पहले हो जाएगा और अगर वो इस्तीफे देने जा रहे हैं तो फिर अकेली एम क्यू एम नहीं होगी और पार्टियां भी मुस्ताफी हो सकी हो सकती हैं और ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है पब्लिकली पॉलिटिकली और पार्लियामानी तरीके से उसमें हम आदीक़ी की गिरफ्तारी बड़ी अहम है और आज हमारे जो अदारे हैं एजेंसीज हैं उनका मोस्टली कई लोग भाग के दुबई चले जाते हैं उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अस, उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है कि मैंने अखबार में आज पढ़ा कि हम आज की गिरफ्तार हो गए वो किस किस के खिलाफ क्या क्या बयान देता है आगे भी बड़े लोग हैं अजीज बलोच है इनके पास और अजमल पहाड़ी और दूसरे लोग सो जो इनका क्राइम विंग है एम क्यू एम का वो मेरा ख्याल है नेज तो नाबूद हो जाएगा अगर यूनिटों की हद तक भी कोई क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं तो मेरा ख्याल है एजेंसीज पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका भी पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और अनकरीब कोई साउथ अफ्रीका से भी एक दो अहम लोग जो हैं वो पाकिस्तान शेख साहब आप भी समझते तो हैं कि के, ता, ता, के में कोई क्राइम विंग मौजूद है कोई यूनिटों के हद तक कोई क्रिमिनल्स मौजूद हैं क्योंकि 22 अगस्त के बाद से तो एम क्यू एम पाकिस्तान एक नया वजूद ले चुकी है और आज भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि 22 अगस्त के बाद सूरत हाल चेंज हो गई थी अपनी उन्होंने सफाई भी एक तरह से पेश की है हमाद सदी की गिरफ्तारी के बाद क्योंकि उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है हमाद सदी से तो आप समझते हैं कि अभी भी एम क्यू एम पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं एम क्यू एम पाकिस्तान के अंदर भी मुश्किल हैं इसमें कोई शक नहीं है और फारूक सत्तार साहब जो हैं वो अपने ताई कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं ये आने वाले में गए लेकिन एम क्यू एम में जो डंग था जो डंक मारने की सलाहियत थी उनमें जी। और जो एक उनका क्रिमिनल विंग था मेरा ख्याल है उसका बहुत सारा असला पकड़ा जा चुका है और उसके बहुत सारे लोग पाइप लाइन में हैं और चंद लोग साउथ अफ्रीका से भी पकड़े जाए और इनको अच्छा धचका लगेगा आइंदा आने वाले महीने और पाक पार्टी से अभी सूरत हाल में हो सकता है हमाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद एम क्यू एम पाकिस्तान का क्योंकि इलाहा की बातें हो रही थी अनिस का खानी साहब का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है हमाद सिद्दीकी से तो ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगी शेख साहब कुछ समझ नहीं आ रहा कि कराची की सियासत में आखिर होगा क्या पी भी फिर तो रगड़े में आ जाएगी कम्प्लिकेशन है बड़ी कम्प्लिकेशन है तीन पार्टियां इलेक्शन में उतरेंगी या एक एम में उतरेगी इसका भी फैसला हो जाएगा okay, okay. अगर तीन पार्टियां उतरेंगी तो उसकी सियासी तौर पर आ, क्या असर मुरतब होते हैं हुँँ. अगर इलेक्शन होते हैं तो अगर एक पार्टी उतरती है तो उसके क्या असर होते हैं ये सारी बातें आइंदा आने वाले महीनों में तय पा जाएंगी कराची की की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग भी हो रही है शेख साहब कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन भी उसमें आएंगी लेकिन आइंदा इलेक्शन uh, से पहले पहले इसकी सूरत हाल वासी हो जाएगी शिक्षा साहब आप मुसलसल कह रहे हैं आपने पेश कोई की थी कि दो एक महीने में मामला अंजाम को पहुंच जाएगा पानामा का वो भी हो गया आ, पानामा का फैसला जिस तरह सामने आया अब आप फरमाते हैं कि मार्च से पहले ही क्विक मार्च हो जाएगा या फिर किक मार्च हो जाएगा तो उसके मتبادل क्या सिस्टम फिर पाकिस्तान में आएगा होगा क्या उसके बाद आप देखते क्या हैं देखें अभी तो इस कौमी सान है मैं समझता हूँ जो लूटा हमें नून लीग के लीडरों ने जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जो जो कुछ भी किया वो एक अलहदा जुर्म है पर क्यादत नहीं पैदा होने दी और जो टैलेंटेड लोग थे उनको प्लानिंग के तहत निकाला पार्टी में से और जिनमें थोड़ी बहुत सलाहित थी उनको डंप कर दिया और एम टू ग्रुप ले आए मालशी और मरासीस और जिंदगी में यह याद रखिएगा जो एक दफ़ा बिकता है वो सौ दफ़ा बिकता है जो एक दफ़ा अपने प्रिंसिपल से हटता है वो सौ दफ़ा हटता है उसके उस अंदर जो ज़मीर होता है वो मर चुका होता है वो गोश्त पोश्त और मफादात और ख्वाहिशों का एक ऐसा शख्स होता है कि जिधर से उसको कोई चासनी नज़र आती है वो उस तरफ भिन्न भिनाता है और उस तरफ चला जाता है और ये इस वक्त बहुत बड़ा जो इशू है वो मेरा केस है जो एक्सेप्ट हो चुका है हुदैबिया पेपर का और मैंने कल मुजफ्फरगार और मुल्तान में तमाम लोगों ने करारदाद पास की है कि इसको फौरी लगाया जाए शबाज शरीफ क्या इस ग्रुप को जनूबी पंजाब में 20-25-40 मेंबर जब मैं कहता था कि ये 40 मेंबर जॉगर ग्रुप जॉगर पहन के बैठा हुआ है वो उस वक्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं वक्त से पहले बात कर देता हूँ अब मुझे ये स्ट्रेटजी बदलनी होगी क्योंकि सारा मुल्क ही मेरे खिलाफ शुरू हो जाता है अब ये 40 प्लस है 60 भी हो सकते हैं 80 भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक दफा ईंट मुस्लिम लीग एक ऐसी फ्री साइज जमात है इसमें से एक ईंट निकले ना तो सारी इमारत धड़म करके गिर जाती है सो एक ईंट नहीं है पूरे जनूबी पंजाब में मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मेरे पास लिस्ट है जेब में मैं खुदा को गोआ बना के कहता हूं ये बीस ही लगा तीन पे मुझे शक है शेख साहब शेख साहब ये लिस्ट जेब में मत डालिएगा तो तो शेख साहब ये लिस्ट जेब में मत डालिएगा इस लिस्ट को बाहर रखिएगा शेख साहब से इस लिस्ट की तफसील जानेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ लेट्स लिस्ट एक शॉर्ट ब्रेक उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपसे ये जनूबी पंजाब के जॉगर्स वाली लिस्ट तफसील जानेंगे जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं अवी मुस्लिम लीग के सबरा जनाब शेख रशीद अहमद से शेख साहब आप ब्रेक पर जाने से पहले वो लिस्ट दिखा रहे थे जेब में वो लिस्ट प्लीज आप निकाल के दिखाईगा क्योंकि ऐसे इकबाल साहब ने भी आज कहा है लाहौर में वो भी है उन्होंने कहा कि लिस्टें मैं भी बहुत निकाल के दिखा सकता हूं। नून लीग जो है वो स्टेनलेस स्टील की तरह है कोई उसमें दरार नहीं आ सकती और शेख साहब जो फहरिस्ते निकालते हैं तो मेरे पास भी उस तरह की बड़ी फरिस्ते हैं तो शेख साहब आप वो प्लीज फहरिस्त निकाल के जरा बता तो दें कि कौन कौन सा नाम है और उनको लीड कौन कर रहा है देखें यही इस कौमी सान है कि चालीस साल में जब इन्होंने लीडर नहीं पैदा होने दिया ये खुद हो गए अपने भाई को भी इस काबिल नहीं समझा भाई का ऐलान किया और भाई ने कहा थैंक यू जनाब कि ये लड़ेगा ये मुस्तकबिल का लीडर है मैं ऐसा सियासतदान उम्र के इस हिस्से में नहीं गैर संजीदा बात करूँ मैं तो चालीस चार महीने से कह रहा था अब मैं साठ और इससे भी बढ़ सकता हूँ ऐसे इकबाल ऐसे ही कहते हैं उसको क्या पता है वो क्या पिदी क्या पिदी का शोरबा, वो उसको तो डेढ़ दिन की हकूमत मिली और वो समझ रहा है कि पता नहीं वो कस्तन तनिया उसने फतेह कर लिया वो अपने नारोवाल की फ़िक्र करे वो अपने नारोवाल का ख्याल करे छोड़े बड़ी बातें और बड़े इस देखे ना अब मैं पार्लिमानी जबान में यही कह सकता हूँ कि अगर शबाज़ शरीफ ने इसको लीड नहीं करना और अगर उदैबिया का पेपर खुल जाना है जिसके बहुत सारे इम्कान हैं और ये सारा खानदान पूरा टब्बर जो है ये फारिग होना है तो फिर किसी ने तो क्या करनी है फिर तो एक एक करके निकल जाएंगे ये लोग शबाज शरीफ इनको अकल की बात समझा रहा है लेकिन ये गंडा सिंह की हकूमत कबूल कर सकते हैं शबाज शरीफ की क्यादत नहीं मानेगी ये मरियम और उनका सारा ख्वाब जो है वो चकना हो जाता है क्योंकि वो तो माँ अल्लाह ताला कल्सूम बीबी को नबी के सदके में सैध दे वो तो माँ के हल्के में कंपेन कर रही है तरक्याती काम नहीं देख रही और जितना जिसकी वसत होती है जितना एक्सपीरियंस होता है जितनी रियाजत होती है उतनी ही कोई सियासत को समझ सकता है उस बच्ची की जितनी रियाजत है उसको आने वाले वो दीवार के पीछे नहीं देख सकती वो वही देख रही है जिद के आलम में जो इस सारी पार्टी को तबाह किया उसने नेस नाबूद कर दिया इस पार्टी को लोग कहने वाले तो तिरासी मेंबर कह रहे हैं मैं चालीस पे कायम हूं और मैं इसलिए समझता हूं कि भाई एक बड़ा धमाकड़ा मैं किसी की पोजीशन नहीं खराब करना चाहता और मैं पॉलिटिकली समझता हूं कि भाई ये बेल नहीं मंडेर चढ़ रही नहीं चढ़ रही नहीं चढ़ रही नहीं चढ़ रही और बीच में शेख साहब मरियम शेख साहब आपको यहाँ पे रोकूंगी मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू भी दिया है कल दिया अमरीकी अखबार को न्यूयॉर्क टाइम्स को वहां पे उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं शहबाजशरीफ साहब के हवाले से वो कहती हैं कि उनके उनके चचा से कोई इख्लाफा नहीं है और शहबाशीफ साहब उनके हीरो हैं और उनको वो कायद के तौर पे देख भी सकती हैं वो उनकी सपोर्ट में खड़ी रहेंगी लेकिन जो कायद का फैसला है वो नूनली का फैसला होगा और जो आपने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा की सियासी रियाजत शायद अभी नहीं है वो कहती हैं कि उनकी जो सियासी काबिलियत है वो उनके दादा ने उनमें देख ली थी और वो सियासत को आगे मजबूत सियासत के तौर पे देखती हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी के तौर पे देखती हैं क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? तो? देखें ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं अब बची है मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता लेकिन मैं किसी मर्द का आप सवाल करेंगी तो वो मनवर जरीफ की फिल्म का मैं जिक्र रंगीले की जरूर करूंगा अब बेटी है मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता कि मैं बच्चों की सियासत में ना टांग अड़ाता हूँ मैं सारी कौम को आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ कि भाई ये अब इनकी आदत है पाँव पड़ते हैं जब ये फंसते हैं और जब ये बाहर निकल आते हैं ये गले पड़ते हैं और ये शबाज की आप आप इसका ये मिसाल दे रही हैं कल परसों मैंने टी वी पर देखा जब वो मेरा ख्याल कोर्ट आई पता नहीं कहाँ आई किसी ने कहा जी हुकूमत तो आप ही की है उसने कहा हाँ हमारी ही है आप जरा वो क्लिप भी निकाल के बताएं जब अपना प्रोग्राम में के उनसे किसी ने कहा के जी आप की आप की क्या बातें कर रही हैं उसने कहा हमारी है मैं तो बड़ा खाकान अबासी। मैं तो तो मीसना बड़ा खाकान खाकान को भी इनके साथ नहीं देख रहा मैं शबाज नसार की अच्छा। बात नहीं कर रहा मैं ख्वाजा साद रफीक को भी नहीं देख रहा अहमद शेर अली को भी नहीं देख रहा ला लाता वजीरों को नहीं देख रहा जी फिफ्टी थ्री वजीर हैं फिफ्टी थ्री वजीरों में से आप बीस परसेंट मिनिस्टर जो हैं वो कान उनके खड़े हुए हैं ये लोग सियासत करते हैं पटवारियों पे तहसीलदारों पे अपने थानेदारों पे एक एस एच ओ इनकी कॉन्स्टिटुंसी का एक डी एस पी बदल दें इनकी सियासत ठुस हो जाती है ये तो जालमों का वो ग्रोह है वो तो इकतदार की हुक्मरानी में हुकूमत करता है जब किसी का ये पता लग जाए कि वो लाहौर तख्ते लाहौर के साथ थ्रू नहीं है उसकी सियासत ठुस कर जाती है सो so, मैं जो कह रहा हूं कि मार्च से पहले पहले किक मार्च होगा ये होगा 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 होके रहेगा इन शह लेकिन कैसे लेकिन कैसे होगा शेख साहब कैसे होगा आपने वो फेहरिस्त भी निकाली थी वो फहरिस्त के चंद नाम तो बताए खासतौर पर टॉप ऑफ द लिस्ट उस फहरिस्त में कौन कौन है और उस फहरिस्त में जॉगर्स वाली फेरिस में लीड कौन कौन, -कौन कोई, कोई है कोई आदमी आपके प्रोग्राम में आके कहे मैं नहीं हूं फिर मैं बताऊंगा वो है या नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा बड़ी तान बान हो रही है बड़ी तोड़जोड़ हो रही है और इस मुल्क में बड़ी गहराई की सियासत हो रही है कई बैडी बेरे सब मरीने चल रही हैं पानी के अंदर और ये खुद लेटे हुए हैं कि भाई हमसे किसी और से जो आपने बात करनी है तो हमसे करें सो मैं इतना बच्चा नहीं हूं कि अभी आपको कोई चैलेंज करे जनूबी पंजाब में से अभी अभी मैं जनूबी पंजाब में से होके आया हूं कि मैं नहीं हूं जी। फिर जी। मैं उसका जवाब दूंगा है ये और ये किक मार्च या क्विक मार्च आप इसको किक मार्च का नाम दे रहे हैं ये पॉसिबल किस तरह से होगा क्योंकि गुजारिश सुन लें मेरी गुजारिश सुन लें ये सारे केस लंबे केस हैं मेरा एक बड़ा मशहूर जुमला है शॉर्ट ट्रिपल एस शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट वो है हैबिया पेपर एलएनजी में 200 अरब की करप्शन है और खाकान अब्बासी इसमें पार्टनर हैं सो ये सारे अंदर से काने हैं ये दोस्ताने पहन के क्राइम करने वाले हैं और ये कह रहे हैं जी हमारा कोई कागज नहीं निकला चले मैं आपका प्रोग्राम है मैं इसमें अनाउंस करता हूं जनाब के सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस आ रहे हैं आप कह रही हैं कि आप प्लाटों को रो रहे हैं आपके और इसहाक डार के आपके भाइयों के और इसहा डार के ऐसे एसेट्स आ रहे हैं जो अभी तक किसी के नोटिस में नहीं थे और ये कह रही है कि जनाब वो लंदन से खाली हाथ लौटे सामने खड़ा है पार्क लेन में वो आपका जो हमें लूटी हुई दौलत से आपका द्वारका का जो किला है और आप लोगों को बेवकूफ देखें मीडिया मीडिया खेलना कोई हर्ज नहीं है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है चौबीस घंटे मीडिया कैमरे को चलाना ये आप लोगों की हिम्मत है इन चैनल्स की हिम्मत है तो जाहिर है उसमें हर किस्म की खबर चाहिए मेरी खबर को चार महीने पहले मैंने चालीस कहा था मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं जी साठ है हम बीस तो सिर्फ जो लोग, हैं। लोग हैं और सीटी बजने के इंतजार में है अगर शबाज शरीफ नहीं निकल रहा और शबाज शरीफ जो है देखें आप हमजा की स्पीच सुने आप शबाज शरीफ की स्पीच सुने दोनों का मुआजना करें और आप देखेंगे कि इन साहब लाहौर में तो वो पोस्टर्स भी लगे हुए हैं लाहौर में तो वो पोस्टर्स लगे हुए हैं हमजा शहबाज मेरा कायद और ये उस दिन की बात है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात करवाई है उसके अगले दिन लाहौर में मेरा हमजा शहबाज उसके पोस्टर्स लग गए अब मेरी मैं अपने सारी बातें आपके चैनल के सामने या लाइव लोगों के सामने नहीं कर सकता सियासत बड़ी बेरहम है वरना भूडो की तरह सारे लोग मुझे पड़ जाएंगे बाबा सियासती कालीन इनके पाव के नीचे से निकल रहा है और इनकी सियासत खत्म होने जा रही है और इनकी सियासत देखें मैं जो बात कह रहा था फिर आपने सवाल कर दिया मैं भूल गया बाकी केसेस पर वक्त लगेगा होंगी जिरा होगी क्रॉस क्वेश्चन होगी अपना दिफा करेंगे ये इट्स लॉन्ग प्रोसेस उसमें छह महीने लगते हैं जो मैं मार्च का टाइम दे रहा हूं इनके केसेस की वजह से दे रहा हूं पर देबिया तो कंबाइल है जी इस तरह इस तरह, इस तरह जुड़ा हुआ है इस तरह सफा खोलेंगे और इस तरह फर्ग होंगे ये तैतीस मिलियन यूएस डॉलर और बका के कहां से लाए हैं जी कहां से लाए हैं ये लोग और अभी करप्शन के तो केस ऐसे ऐसे निकलने वाले हैं कि लोग अंगुशते बदंदा हो जाएंगे दांतों में उंगलियां रखेंगे कि इतने बड़े चोर और डाकू और लुटेरों और बेईमान और खाएन और बद्यानत लोगों को हमने अपने सर पे बैठाए रखा और 40 साल तक इन्होंने किसी को बनने नहीं दिया सारे मिराशी और मालशी है और जी जूरी वाले और अंजमन अंजमन सतशाद बामी के अलावा इन्होंने पार्टी कोई नहीं बनाई आंख एक दूसरे से शेख साहब छोटी सी ब्रेक शेख साहब आपको 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 इंटरप्ट कर रही छोटी सी ब्रेक लेनी है शेख साहब कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली की सियासत मुकम्मल खत्म हो गई है मार्च से पहले किक मार्च हो जाएगा पहले 40 बंदे कहे थे शेख साहब ने कि वो डिफेक्ट करने के लिए तैयार हैं अब कह रहे हैं कि 60 बंदे हैं जो कि छोड़ने को तैयार हैं इसकी तफसील भी जानेंगे मजीद सवाल भी करेंगे आपका शॉर्टेज जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक शेख रशीद अहमद साहब से हम बात कर रहे हैं अवी मुस्लिम लीग के सबरा हैं शेख साहब आपने कहा कि 40 नहीं अब 60 बंदे हैं जो कि इनको छोड़ने के लिए बस तैयार होकर जॉगर्स पहन के बैठे हैं साथ साथ एनआरओ की भी बातें हो रही हैं लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि मार्च से पहले कुछ नया हो जाएगा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की काफी अफवाहें आई वो अफवाहें दम तोड़ गई अब एक मुतबाद सिस्टम के आने की बात भी हो रही है और एनआरओ की बात भी हो रही है तो इन दोनों में से कौन सी आपको पोलिटिकल पॉसिबिलिटी लग रही है उसके बाद बटन वाला चाकू आ गया उसके बाद तीस बोर वाला पिस्तौल आ गया उसके बाद सेवन एम एम आ गई उसके बाद क्लाशन कोफ ये देखें हर दफा वही हथियार नहीं इस्तेमाल हो सकता मॉडरेट जमाना है अभी आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सात दिनों के अंदर अंदर, अंदर तीस के इकतीस को स्पीकर, स्पीकर ने मीटिंग बुलाई है कि सेंसेस अगर आठ जून या पांच जून को इन्होंने देना है तो तीस से पचास सीटें नहीं बढ़ने जा रही हैं इन केस ये अगर 50 सीटें हैं या मैं तीस कम अज कम या 50 सीटें हैं ये दो सौ हो जाती हैं या 320 हो जाती हैं ये सीटें तो जिस जिस हलके को काटना है देखो ना एक राइयों का है जटों ने एक गुजरों का महल है दूसरा महल्ला जटों का ये जमूरियत तो ऐसी है उसने कहना है कि ये गुजरों का महल्ला गुजरों का इलाका गुजरों की कॉन्स्टिट्युएंसी में पड़े कहीं जटों की जान जाए सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है एक बहुत बड़ा जंजाल है बहुत बड़ा जंजाल है इसमें कोई आसान काम नहीं होते हल्का बंदियां और एक दिन जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा था कि शेख रशीद जब इलेक्शन होते हैं तो मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं ये वैसे ही हम कहते रहते हैं इलेक्शन इलेक्शन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो की बुनियादें हिल जाती हैं पैसे वाले लोग आ चुके हैं अब पार्टियों में वो लोग इज्जत पा गए जिनके पास माल है जिनके पास कमाल की सिलाियत है वो पोस्टर लगाने के लिए रह गए वो नारा मारने के लिए रह गए हैं वो जलसों की गैदरिंग करने के लिए इंतजाम करके लिए रह गए हैं अब पैसा बोलता है हुँ, पैसा, हुँ। पैसा पे एक तमाशा देख एक एक चेयरमैन जो है वो तीन तीन चार चार पांच पांच, पांच करोड़ रुपए में बना है तो बल तो असेंबली की सूरत हाल क्या होगी और इंटरनेशनल सूरत हाल इकोनोमी की इतनी डिजास्टर है ये बातें कर रहे हैं बहुत सारी मैंने तो कल मुल्तान के जलसे में कहा कि एक बंदे पे फर्द जुर्म लगी है करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग की वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में कैसे बैठ सकता है वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारा स्ट्रॉन्ग इशू है मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन जिस बंदे पे फर्द जुर्म लग चुकी है वो आई एम वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में कैसे आ सकता है इधर ही जाएगा ताजकिस्तान की तरफ और इस तरफ और, और उस तरफ बेवकूफ बना जिद जब इंसान बेशरम हो जाता है जब इंसान को अपनी इज्जत अपनी क्या कहूँ जी अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अपनी लूटी हुई दौलत अजीज़ होती है जब वो समझते हैं कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो दुनिया में हमारे एसेट स्क्वीज़ हो जाएंगे मुंजमिद हो जाएंगे हमें अदालतों से लेने पड़ेंगे ऐसे आलम में मुल्क पर बड़ा बोझ होता है मुल्क की ज़िम्मेदारियों में इजाफा होता है और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि लोग समझ रहे हैं शायद गुडी गुडी हालात है कोई भी हादसा वाकया इस सारे मसले को खराब कर सकता है और मैं किस तो, किस तो ऐसा इकबाल को इस आपकी बात साहब आप ये बात बार बार कह रहे हैं मैं आपसे जानना चाहती हूं किस किस्म का हादसा देखिए ये ज्यादा तो क्या बात है कि कोर्ट के बाहर डीएसपी इस्लामाबाद को चाटा मारा है अटारनी बाबा डूब मरो चिल्लू भर पानी लेके एक तरफ हैसन कहता है ये ये बनाना स्टेट है ये है वही जो के आगे नात पड़ा करता था और इनकी वालदा थी मजलिस से शुरू की पुराने क्लिप निकाले आप ये क्लिप हमारे लिए ही तो नहीं पैदा हुए ना ये क्लिप हमारे लिए ही तो नहीं बने कि अगर हमने एक आधा जुमला बोल दिया तो सारी दुनिया हम पे आ... बातें करना शुरू हो जाती है इनकी हैसीयत क्या थी सियासी तौर पर कब पैदा हुए इस्लामी जमीयत तुलबा से निकले आप देखें ना ये सारा मेन ग्रो जो इस वक्त है पाकिस्तान में एक्स इस्लामी तुलबा जो है वो इस वक्त छाई हुई है हर जगह में जबकि ये कह रहे हैं कि लिस्टें बहुत हैं मैं ऐसी सियासत गैर जुम्मेदाराना नहीं कर सकता मुझे सबकी इज्जत अजीज है अपने से ज्यादा अपने एम एल ए की इज्जत है उनके पास रास्ता ही कोई नहीं है उनके पास कोई रास्ता नहीं है सवासके किसी नई पार्टी में शामिल हो जाए जब उनकी लीडरशिप जो है टोकरा नहीं रख सकेगी उन पे, तो फिर मंजूर वटो का देखे ना जी मंजूर वटो बारह मेंबरों से बारह मेंबरों से दो ताई अक्सरियत नवाज शरीफ की चीफ मिनिस्टर बन गया पंजाब का यह तारीख है आठ मेंबरों से बन गया और ये दो ताई और जब भी नवाज शरीफ को दो ताई मिलती है ये अपने से बाहर हो जाते हैं आ गई खाना खाली है फिर खाना और ही उडारी मारता है ये शेख साहब आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है शेख साहब के तीन नवंबर पाकिस्तान की तारीख में आपको इमरजेंसी का दिन है क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट होते हुए आप देख रहे हैं देखें जी इनके पास कोई कागज कोई सबूत नहीं है इनकी पूरी कोशिश है कि यह केस रुक जाए इनकी इस हद तक गिरे हुए हैं कि के ये केस ट्रायल ना हो एक बच्ची को छोड़ दिया मीडिया मीडिया खेलने के लिए अब वो कहती है मेरा मीडिया जो है वो मे, मेरा मीडिया सैली कोई नहीं था दो बंदे पकड़े हैं उनको दो छितर भी नहीं लगे वो वैसे ही बोलना शुरू हो गए जी कि हम इतने लाख लेते थे बत्तीस मेंबरों का इनका, इनका मीडिया सेल था बस छत्तीस हो गए क्या पीटीवी से तनख्वाहों का बिल आएगा तो ताउला कासमी कहां जाएगा जी पंद्रह पंद्रह और बीस बीस लाख रुपए लेने वाले बताएंगे नहीं कि मीडिया सेल को कहां से पैसे जाते थे अब ये दुबई लेके गए हैं को मीडिया सेल को आप अंदाजा करें इतनी दौलत की फरावानी है कि जो टॉप लोग हैं जो फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पे अपना केस लड़ता है और जुबैर ने भी खोला मीडिया सेंटर अपना क्या है वो पिशावर का सॉरी कराची का गवर्नर उसने भी गवर्नर हाउस में मीडिया सेंटर खोला है हमारा तो कोई मीडिया सेंटर नहीं है जी अल्लाह की तरफ से लोग कहते हैं जी कि दस दस करोड़ लोग आ गए हुए हैं ये अल्लाह की शान है ना अल्लाह किसी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दे हमारे पास तो लेकिन कोई अब ये बताइए कि आपको लगता है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे अब तीन नवंबर को या उससे बहुत छोटी बातें आपको कह दिया है दोनों के पास दो खत हैं जी उनकी किस्मत का सितारा उस वक्त दलदल में फंसा जब इन्होंने खत निकाला कतरी खत निकाला सॉरी और इस डार ने दुबई का हमारा शेख जैद जो मुबारक जो है एजुकेशन उसका खत निकाला इस मुल्क में इस वक्त टीवी पे बात करने के लिए और चेहरा रखा हुआ है और इधारों के आगे हाथ जोड़ने के लिए और चेहरे रखे हुए हैं दोनों लाइनों पे काम हो रहा है अच्छा दोनों लाइनें कुछ नहीं कर सकती दोनों लाइनें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप देखें ISPR के जर्नल ने बोला कि जर्नल जो है जावेद कमर बाजवा साहब वो अपनी फौज के कमांडर है और जो फौज का फैसला है कमांड एंड कंट्रोल का फॉर्मेशन कमांडर्स का वो सब का फैसला है किसी एक का फैसला नहीं है ये मैंने नहीं कहा और जो पाकिस्तान का फैसला है पाकिस्तान ये सारे पाकिस्तान के मतहत हैं सो ये समझने वाली बातें हैं आज नवाज शरीफ फौज के अंदर नफरत के और उसका सारा खानदान उस मेराज पे पहुंच चुका है क्या फौज को नहीं पता कि डॉन लीक किसने किया उन्होंने वेट एंड सी किया कि एक नया आप पड़ जाए उन्होंने जिस तरह लीगली इसको हैंडल किया मैं आई मस्ट से गिव फुल मार्क्स टू दी आर्म फोर्सेज उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की और मैं कमर बाजवा को सौ फीसद मार्क्स देता हूं उन्होंने कहा जो अदालत फैसला करेगी शाम से पहले उसे इंप्लीमेंट करेंगे अदालत के फैसले के मुताबिक मत अदालत कर अदालतों को फेस नहीं कर सकते इनके पास कुछ नहीं है अदालतों में देने के लिए और मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी है कि इसहाप्लीमेंट्री रेफरेंस भी आ रहे हैं क्योंकि ये जल्दी में आपने जल्दी में साठ दिन दे? के अंदर का वाकई एक नई खबर दी है और इसके अलावा भी नई खबरें दी अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया आपको अगेन जहमत देंगे बहुत शुक्रिया सुनी के सबरा शेख रशीद अहमद साहब आज प्रोग्राम में खास तौर पे बात कर रहे थे मुख्तु इशूज पे बहुत से इशूज पे बात करना रहेंगे इन आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया